अभी पूरी तरह से 2 दिन भी नहीं हुए हैं जब लियोनेल मेसी ने अपना फेयरवेल कंप्लीट किया, अपना जो फेयरवेल स्पीच था दिया था बार्सिलोना के लिए। और अब ये खबर निकल के आ रही है पेरिस सेंट जर्मन, जो कि सबसे यहाँ पे लाइकली थी, जो यहाँ पे साइन करने वाली थी लियोनेल मेसी को, वो लगभग कंफर्म होते हुए दिख रहा है। और पीएसजी यानी कि पेरिस सेंट जर्मन, जिन्होंने पिछले साल जो पिछला एडिशन लीग वन का हुआ था, जो फ्रेंच फुटबॉल का जो सबसे टॉप टाइप लीग होती है, उसमें सेकंड फिनिश किया था। और यूएफा चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी से वो सेमीफाइनल में हारे थे। एक बहुत बड़ी क्लब मानी जाती है पीएसजी, और पिछले कुछ साल पीएसजी के लिए बहुत ही सुनहरे रहे हैं। नेमार जैसे खिलाड़ी उस क्लब में हैं और मेम्बापे जैसे फॉरवर्ड्स उसमें खेलते हैं, तो एक बहुत ही बड़ी क्लब है पीएसजी। और अगर हम आपको बताएं तो नेमार को भी एक रिकॉर्ड ट्रांसफ़र फ़ी के साथ 222 मिलियन USD के साथ यहाँ पे उनको लाया गया था बार्सिलोना से पीएसजी में। और अगर आप हम बात करें लियोनेल मेसी की, तो लियोनेल मेसी जहां तक मुझे खबर आ रही है और जहां तक अभी फुटबॉल मार्केट में ये न्यूज़ चल रही है कि वो एज अ फ्री एजेंट यहां पे साइन कर रहे हैं। फ्री एजेंट का मतलब ये होता है कि उनका किसी भी क्लब से अभी ताल्लुक नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वो किसी क्लब से डायरेक्टली यहाँ पर साइन कर रहे हैं पीएसजी के लिए, बल्कि उन्होंने किसी क्लब को परमानेंटली छोड़ा है और अभी उनके पास करेंटली कोई क्लब नहीं है और वो अब पीएसजी के लिए साइन कर रहे हैं। अब इसका जो प्राइस प्रिडिक्शन है वो अभी तक नहीं आया है, जब भी आएगा तो उसके लिए एक अलग सी वीडियो बनेगी, क्योंकि मैं कोई भी यहाँ पे बेकार सा प्राइस प्रिडिक्शन अपने मन से आपको नहीं करके बता सकता। लेकिन जब भी ये प्राइस आता है कि कितने पे डील किया है लियोनेल मेसी ने यहाँ पे पीएसजी के साथ, वो आएगा। और जितनी भी आगे डिटेल्स आएंगी वो मैं अपने चैनल पर कवर करूँगा। तो जो लोगों ने भी यहाँ पे स्पोक कॉम्बैट को फॉलो नहीं किया वो कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंडियन फुटबॉल को और आने वाले दिनों में यहाँ पे वर्ल्ड फुटबॉल को भी कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि पीएसजी के बारे में, जैसा कि आपने बताया कि लीग वन की यहाँ पे वन ऑफ द सबसे सक्सेसफुल मानी जाती है क्लब, और वर्ल्ड फुटबॉल में भी बहुत जानी मानी क्लब है। हम लोग सभी लोग जानते हैं एम्बापे, नेमार जैसे खिलाड़ी वहाँ पे खेलते हैं, और अभी फ़िलहाल यहाँ पे मौरूशियो उनके कोच हैं और लियोनेल मेसी उनके सबसे तगड़े साइनिंग हो सकते हैं अभी तक के इतिहास के। लियोनेल मेसी जो यहाँ पे बार्सिलोना में लगभग 2 डिकेड से थे, और बार्सिलोना का जो पिछला कुछ यहाँ पे कोविड के चलते और कोविड से पहले उनमें जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैशेस हुए और साथ में ही बहुत सारी यहाँ पे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स जिसके चलते हुई, तो बार्सिलोना का जो यहाँ पे इकोनॉमिकल ढांचा था वो बिगड़ा, और जिसके चलते जो लियोनेल मेसी का एक पेमेंट होता है, जो एक डील होता है जो कि जून में इसी साल ख़त्म हो गया था, उसको वो यहाँ पे कंटिन्यू कर नहीं कर पाए। जबकि लियोनेल मेसी ने कहा था कि मैं यहाँ पे बार्सिलोना में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो दिल है वो बार्सिलोना से जुड़ा हुआ है, मेरे बच्चे और मेरा परिवार यहाँ पे बार्सिलोना में स्पेन में रहा है काफ़ी दिनों तक, और हम चाहते हैं कि हम बार्सिलोना में रहें। हम लोग सभी को याद है जब मेसी, सुआरेज, नेमार जैसे, गेराल्ड पीके जैसे खिलाड़ी एक टीम में खेला करते थे और एक बहुत ही बड़ी टीम मानी जाती थी बार्सिलोना। लेकिन अभी बार्सिलोना का दिन अच्छा नहीं चल रहा, आपने बहुत सारे खिलाड़ियों को उसने खोया है और अब बहुत कम ही ऐसे खिलाड़ी बच चुके हैं जो कि एक स्टार बार्सिलोना में थे और अभी भी बार्सिलोना के साथ बचे हुए हैं। बहुत दिनों तक यहाँ पे मेसी ने यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहा बार्सिलोना के साथ, लेकिन अब इतनी ख़राब कंडीशन आ गई थी कि मेसी ने कहा था कि अब मैं जितना भी मैं यहाँ पे मेरा डील है, जितना भी प्राइस है, उसके आधे प्राइस पे मैं डील करने को तैयार हूँ, लेकिन उतने भी पैसे देने के लायक यहाँ पे बार्सिलोना अभी नहीं बची थी। तो लियोनेल मेसी खिलाड़ी जैसे जो अभी अपने अर्ली 30s में हैं, जिनका करियर अभी कम से कम 6 से 7 साल तक और होगा एक प्रोफेशनल फुटबॉल एक टॉप लीग डिवीज़न में, अगर उनको कोई खुदा ना खास्ता कोई इंजरी बहुत बड़ी होती है, तो अभी से इतने कम प्राइस पे, कट प्राइस पे खेलना उनके लिए भी अच्छी बात नहीं थी और वो डिज़र्व नहीं करते थे इतना बड़ा खिलाड़ी इतने कम प्राइस पे डील करके खेले बार्सिलोना के साथ। और कोई नहीं जानता था कि बार्सिलोना का फ्यूचर क्या है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे लियोनेल मेसी ने काफ़ी दुख और दर्द सहते हुए, सब कुछ को देखते हुए यहाँ पे बार्सिलोना छोड़ा, और अब ये खबर आ रही है कि पेरिस सेंट जर्मन, जो कि अभी फ़िलहाल वन ऑफ द टॉप क्लब्स है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर रिवेन्यू जनरेशन, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये यहाँ पे र्यूमर्स आने लगे कि लियोनेल मेसी यहाँ पे पीएसजी के लिए साइन करने कर सकते हैं, तो जितने भी पीएसजी के सेल्स थे और जितने भी उनकी जो इकोनॉमी थी वो अचानक से उसमें काफ़ी बड़ा बूस्ट आया, और जिसके चलते ये दिखता है कि लियोनेल मेसी के आने के बाद क्या यहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं पेरिस सेंट जर्मन में। लीग वन में बहुत ही तगड़ी टीम होगी और साथ में एम्बापे, साथ में लियोनेल मेसी और नेमार को एक साथ खेलते हुए देख सकते हैं। लेकिन एक बात है कि शायद एम्बापे ऐसा हो सकता है कि रियल मैड्रिड के लिए आने वाले दिनों में साइन करे, जो भी खबर अभी तक मेरे पास आ रही है उसके हिसाब से और जो वर्ल्ड फुटबॉल की मार्केट में जो न्यूज़ चल रही है उसके हिसाब से,
एम्बापे यहाँ पर रियल मैड्रिड के लिए साइन कर सकते हैं, लेकिन नेमार और मेसी आपको साथ में खेलते हुए देखेंगे। और जस्ट अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे थोड़ी देर पहले यहाँ पर नेमार ने एक ट्वीट किया है कि बैक अगेन टुगेदर, तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे लियोनेल मेसी और नेमार आपको पीएसजी के लिए खेलते हुए दिखेंगे। नेमार तो पिछले काफ़ी डेढ़ दो सालों से यहाँ पे पीएसजी के लिए खेल रहे हैं बार्सिलोना को छोड़ने के बाद, और अब हम लियोनेल मेसी को यहाँ पे पीएसजी के तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। इस चीज़ पे एक और डिटेल वीडियोस आएगी जब यहाँ पे बिल्कुल ऑफिशियली सभी तरह से कंफर्म हो जाएगा। लगभग ये ऑफिशियली कंफर्म्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये डील जो है किसी भी तरह से रुकने वाली है। क्या प्राइस होगा, कितना लंबा डील होगा और कब तक ये यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे पीएसजी के साथ, और क्या आने वाले दिनों में यहाँ पे जब बार्सिलोना के हालात सुधरते हैं तो क्या हमें यहाँ पे लियोनेल मेसी वापस बार्सिलोना में जाते हुए देख सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में अपने। जब भी यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ खबर आती है तो तब तक के लिए यार स्पोक कॉम्बैट को सब्सक्राइब कर लो, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, उस पर जितने भी फुटबॉल अपडेट्स होते हैं इंडियन फुटबॉल से और वर्ल्ड फुटबॉल से रिलेटेड बड़े बड़े अपडेट्स सारे वहाँ पे आते रहते हैं, YouTube से पहले वहाँ पे आ जाते हैं। तो यार जाके वहाँ पे फॉलो करो, यहाँ पे हमें सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।